Jananim Saradam Devim Ramakrishnam Jagat Gurum Pad Padme Tayo Shritva Pranamami Muhur Muhur Namo Shriyati Rajaya Vivekananda Suraye Sat Chit Sukhas Swarupaya Sine Tapaharine. मंच पे विराजमान परम श्रद्धेय स्वामी विष्णुपादानंद जी, परम श्रद्धेय स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी, परम श्रद्धेय स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज एवं हमारे इंदौर के आश्रम के प्रधान परम श्रद्धेय स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज, आप सबको प्रणाम एवं दर्शक दीर्घा में बैठे अन्य अन्य सन्यास एवं ब्रह्मचारी वृंद, आप सबको श्रद्धापूर्ण नमस्कार। और आप सब मित्र जो सुबह से यहाँ आए हुए हैं, सुबह से 8-9 बजे से कई सारी हमने वक्तृता सुनी, बहुत सारा मन में अनुप्रेरणा आप सब लोगों के मन में आई होगी, इतनी सारी अनुप्रेरणा की धारा हमने जो मिली स्वामी विवेकानंद के भावाद सुनकर। तो ये मैं आज अंतिम वक्ता हूं दिन भर में। मेरा मूल विषय रहा स्वामी विवेकानंद का सेवा आदर्श, उसमें युवकों के प्रति उनका संदेश वो तो मिलित होगा ही, क्योंकि युवकों से स्वामी विवेकानंद को विशेष आशाएं थी। शुरू में मैं थोड़ा सा बताऊं मैं किससे इस भाव से आकर्षित हुआ। मैं भी आप ही सब लोगों का ही दोषी समझिए मुझे, क्योंकि भोपाल में मेरा जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा स्कूल का मेरा जीवन भोपाल में निकला, तो इंदौर के तो भोपाल वाले पड़ोसी हुए और भोपाल इंदौर में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। भोपाल वाले भोपाल को ज्यादा अच्छा शहर मानते हैं, इंदौर वाले इंदौर को मानते हैं। ऐसा मैं कभी जब कोई इंदौर भोपाल वाले मिलते हैं तो मैं देखा हूं कि कोई नतीजे पर आ नहीं पाते इस मामले में। तो यहां से ही मैं आप ही लोगों की भूमि से अपनी जो बचपन के मैंने गुजरे, भोपाल की गली सड़कों पर घूमता हुआ एकदम बाकी सब जैसे उस उम्र होते हैं लड़के, उसी मिजाज का मैं भी पूरी तरह से था। फिर मैं बाकी सभी की तरह जैसे परीक्षाओं में बैठना, तो दसवीं के बाद मैंने साइंस ले लिया, फिर आईआईटी की परीक्षा दी तो उसमें चयन हो गया, तो आईआईटी में गया मैं खड़गपुर में। और फिर मैं एक साल इंफोसिस में बेंगलोर में काम किया, सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस, आप लोग ने नाम सुना होगा। उस समय छोटी कंपनी थी, अभी धीरे धीरे बहुत बड़ी हो गई, ये 99 की बात कर रहा हूं। फिर मैं वहां से फिर परीक्षा देने का एक परीक्षा देके उसमें सफल होने का एक थोड़ा अलग आकर्षण रहा है, एक अचीवमेंट की तरह लगता, तो इसलिए मैंने फिर आईएम की परीक्षा दी, जो कैट का एग्जाम होता है आईएम एमबीए के लिए। उसमें फिर चयनित होने के कारण फिर मैं आईएम कलकत्ता में गया। तो मेरा एक बड़ा ही नित रूप से जैसा रेगुलर किसी भी रेगुलर ट्रेजेक्टरी बोले उस पर मेरा भी चलना ही रहा था, पर इसके बीच में थोड़ा पहले से ही हल्का हल्का स्वामी विवेकानंद पठन थोड़ा सा मैंने, ज्यादा अधिक मात्रा में तो नहीं, थोड़ा सा उनका कर्म योग जैसे हुआ या उनके कुछ इसमें दिए हुए लेक्चर्स, शिकागो लेक्चर्स तो थे ही, उसके अलावा भी जो थे, थोड़ा सा ज्ञान योग के लेक्चर जो उन्होंने अमेरिका में दिए, तो ये सब हल्का मैं पढ़ा। कुछ ऐसी शिविरों में मैं आया, बेंगलोर में ऐसी मैं 2 दिन के शिविर में गया था,
जिसमें जिसे कि रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा की वॉलंटियर ने ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें थोड़ा ज्यादा रूप से दो दिन और घनीभूत रूप से वेदांत के बारे में स्वामी विवेकानंद के और दार्शनिक जो उनकी नींव थी भारतवर्ष का दर्शन है वेदांत, उसके थोड़ा सा स्पर्श में आए, पर वो जो है मुझे बहुत आकर्षित किया। फिर तो मैं जब तक तब मैं बेंगलोर में था, जॉब कर रहा था, उसके बाद ही मेरा चूंकि आईआईएम में सिलेक्शन हो गया तो मैं इधर आ गया कलका। पर धीरे धीरे मुझे ये लगा कि ये मटेरियलिस्टिक जीवन में जो है विशेष ही है, उससे उसमें कोई सार नहीं है विशेष। एक तो मैं थोड़ा सा बताऊं कि मैं बहुत ही उस उम्र में मैं काफी अहंकार मेरे अंदर था, भी किस्म का मैं था स्वभाव से, मतलब कोई भी जो है बाकी जो लोग हैं समझता था कि अरे हम भी कर सकते हैं, किसी ने भी कोई काम किया सुन अरे इसमें क्या वो मैं भी कर सकता, चाहे उस चीज में अपन अच्छे हों या ना हो, ये अचानक अरे हम भी थोड़ा सा करें तो कर लें क्या है, तो किसी को भी अपने से बड़ा नहीं मानने, अहंकारी किस्म का था वो, कोई हमसे ज्यादा अच्छे रैंक या ये लाता था तो भी लगता अरे हमने कम अध्ययन किया इसलिए वो आगे निकल गया, वरना क्या है हमसे आगे कौन जाएगा, इस किस्म का दंभ भाव भी मेरे अंदर था। तो मैं किसी को भी मतलब एक लाइन में बोलूं आपको आश्चर्य होगा, किसी को भी अपने समकक्ष मानता ही नहीं था, अंदर ही अनभली बोलूं नहीं मनीमन मुझे ऐसा लगता था। पर जब स्वामी विवेकानंद का अध्ययन शुरू किया तो मुझे सबसे पहले एक ऐसा व्यक्तित्व दिखाई दिया जिसमें मुझे एक स्पष्ट रूप से लगा कि ये सुपीरियर है मेरे से। मुझे लगता जीवन में पहली बार मुझे स्पष्ट रूप किसी कोई लगा हो कि ये सुपीरियर है मेरे से, ये श्रेष्ठ है, कोई संशय की बात ही नहीं है, मतलब ये लाइट और डार्क की तरह क्लियर है कि ही इज मच मच सुपीरियर, दिस पर्सन इज मच मच सुपीरियर, वन कैन नॉट कॉम्पीट, कम इन एनी कॉम्पिटिशन विद पर्सन, ऐसा भाव मेरे अंदर अंदर उतर गया। तो आप समझ ही सकते हैं एक दंभी जो ऐसा सहज रूप से किसी को अपने समक्ष नहीं मानता था, अपने कोई तीस मार खान समझता था बोल सकते हैं, तो वो जो है इस तरह से वो स्वामी विवेकानंद के साहित्य के टच में आ एक ऐसा उसने आदर्श व्यक्ति पाया कि लगा कि कोई जीवन अगर ना चाहिए तो इनके बताए हुए रास्ते पर, इन्होंने जो ढांचा दिया है, जो ढांचा देखे हैं, और ये हमें मिलता है स्वामी विवेकानंद के साहित्य से, वे कैसा आदर्श चाहते थे, एकदम बचपन की अवस्था सी, बचपन से कैसा जीवन होना चाहिए, युवावस्था में कैसा जीवन होना चाहिए, एक जीवन एक महान आदर्श के लिए कैसे समर्पित कर सकते हैं हम, तो ये मुझे जो है स्वामी विवेकानंद से मिला। फिर मैं धीरे धीरे मेरा चूंकि जरूर था कि मेरे को एक रूटीन लाइफ में ऐसे ही धनोपार्जन करूं, बड़ी सैलरी स्केट करूं, उसमें मुझे कोई अंत नहीं दिखाई देता, मुझे लगता था ऐसे तो हजारों लाखों लोग आज पैदाइश समझ लीजिए मुकेश अंबानी है, उनका नाती पोता भी जिस जन्म होगा वो किसी भी आईआईएम या आईआईटी वाले कई गुना ज्यादा धनवानों के पैदा ही होगा डे वन में, तो ये कौन सी प्रतिस्पर्धा जिसमें लगे, सिर्फ ये रिले रेस की तरह है कि हम अगली पीढ़ी को थोड़ा सा और धनवान बना दें, कि हम समझ लीजिए मिडिल क्लास में हुए तो उन्हें अपर मिडिल क्लास में बैटन दे दें, हम लोअर मिडिल क्लास हुए तो उन्हें मिडिल क्लास में एक पायदान ऊपर पहुंचा दें, अपनी अग्निशन को अपने बच्चों को, इससे ज्यादा मुझे कोई अर्थ नहीं दिखाई दिया इस तरह की प्योरली मटीरियलिस्टिक करियर जो है। ये देखने लगा कि कोई भी अचीवमेंट तो अचीवमेंट करने की इच्छा हर एक में रहती, अचीव करने की, पर वो अचीवमेंट का स्वरूप क्या हो ये मेरे सामने थोड़ा उस समय क्लियर होता है। तो मैं अचीवमेंट उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप से अचीवमेंट को मैं देखने लगा, कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप से कि हम कितना जितना कॉन्ट्रीब्यूट करें वो हमारा अचीवमेंट है, क्योंकि मुझे ये लगा कि पिछले 100 साल में आज से 50 साल पहले सबसे नई व्यक्ति कौन था, हम लोग को नाम भी नहीं मालूम, सारे विश्व में आप लोग बता सकते हैं 100 साल पहले
का सबसे धनी व्यक्ति कौन था, किसी को भी नाम मालूम नहीं मालूम होगा, 75 साल पहले नहीं मालूम होगा, 50 साल पहले नहीं मालूम होगा, शायद 25-30 साल पहले से मालूम होगा, बिल गेट्स आए और ये आए, फिर वो दो लोग हैं वही बदल बदल के रहे धनवान लोग, तो पिछले 25-30 साल से हमें मालूम है, जबकि पिछले गौतम बुद्ध 2600 साल पहले थे हमें मालूम है, शंकराचार्य 1300 पहले हमें मालूम है, हर शताब्दी में मानव इतिहास के हर शताब्दी में एक एक ऐसे व्यक्ति का हम लगभग हम लोग नाम जानते होंगे विश्व इतिहास में। जब से ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री शुरू हुई तब से जो है हमें हर सेंचुरी में एक एक ग्रेट पर्सन का हमें नाम मालूम, और हम आज से 50 साल पहले का भी विश्व में सबसे धनवान व्यक्ति का नाम नहीं जानते, क्यों, सही बात है या नहीं है? तो इससे हमें प्रमाण मिलता है कि ये कितना सतही, कितना सुपरफिशियल अचीवमेंट है, सिर्फ अगर हम पैसों के ढंग से देखें, पर पैसे कमाने वालों में भी कुछ लोगों के नाम काफी लंबे जाते हैं, जैसे कि समझ लीजिए रॉकफेलर हुए, बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट, उन्होंने दान धर्म में लगाई अपनी पूरी पूंजी, या फोर्ड फैमिली हुई जिनकी फोर्ड फाउंडेशन है, कार्नेजी बोल के हुई जिन्होंने कार्नेजी मेलॉन यूनिवर्सिटी स्थापित की अमेरिका में, तो ऐसे ऐसे हम लोग सुनते हैं, पर उन्होंने वो सिर्फ धनी थे इसलिए नहीं, उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया इसलिए, और आज के समय में भी हम सुनते हैं यही बिल गेट्स के बारे में, वॉरेन बफेट आप लोग ने सुना होगा, जिन्होंने बहुत सारी अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा अंश दूसरों की सेवा में, चैरिटी में देने का फैसला किया, इसलिए इनका नाम बहुत लंबा जाएगा, इसलिए नहीं कि वो एक समय में दुनिया में सबसे धनी थे, उस कारण से तो उन्हें बहुत जल्दी भुला था, पर उनका वे भी समझते हैं कि हमारे जीवन का असली अर्थ इस लेवल पर आकर भी जीवन का असली मीनिंग, डीपेस्ट मीनिंग जो है वो क्या हम इम्पैक्ट करते हैं लोगों के जीवन में, एक गहरी लेवल पर लोगों के जीवन में इम्पैक्ट, उसी से हमारे जीवन की सार्थकता आंकी जाएगी और हमें भी की संतुष्टि तभी मिलेगी। तो ये भाव मेरे अंदर आके मैंने भी इस ढंग से फिर जो है कोई और जॉब नहीं करने का फैसला किया कॉर्पोरेट सेक्टर में, और छोटे लेवल पर मैंने एक संस्था शुरू की जो परम श्रद्धेय महाराज ने सुबह एक इंट्रोडक्शन में बताया था, और साथ ही साथ मेरा बहुत ही एक महत्वपूर्ण साइड रहा कि रामकृष्ण संघ के सन्यासियों से मेरा लगातार मेल जोल, उनसे साथ में रह के उनसे प्रेरणा लगातार लेते रहना, क्योंकि मैं बंगाल में किया तो एक लाभ मुझे नेचुरली हुआ कि बेलूर मठ के मैं करीब हो गया, तो लगातार बेलूर मठ में जाना, वहां बहुत सारे सन्यासियों से घनिष्ठता से उनको उनसे आशीर्वाद लेना, उनको भी वो मेरे हमारे सेवक आश्रमों में केंद्रों में वे भी आने लगे, और उनसे लगातार एक प्रेरणा की धारा मिलती रही। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है जिसे साधु संघ बोलते थे श्री रामकृष्ण, साधु संघ जो है आध्यात्मिक जीवन में और किसी भी तरह के अपने चरित्र उत्थान के जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, वो एक चीज। और जब हमें संघ नहीं उतना सहज रूप से मिलता, समझ लीजिए रेडीली अवेलेबल ना हो, कहीं ऐसी जगह है जहां है नहीं कोई ऐसा आश्रम या आध्यात्मिक व्यक्तित्व, तो भी ये साहित्य उसी का सब्स्टिट्यूट हो जाता है एक ढंग से। हम जो आध्यात्मिक साहित्य पढ़ते हैं उससे जो है एक सत्संगी का रूप है वो, तो मुझे जो है इसी तरह से स्वामी विवेकानंद का पढ़ा, फिर मेरे हाथ में एक पुस्तक आई, उस पुस्तक का मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में आई थी जब मैं ये काम शुरू ही किया ही था मैंने आज से 17 साल पहले, तब जो है वो थी मोनेस्टिक डिसाइपल्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के सन्यासी शिष्यों की, 13 ऐसे सन्यासी शिष्यों की कहानियां थी उसमें, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण के शिष्यों की भी एक बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है, दे लिव्ड विद गॉड और गॉड लिव्ड विद देम से,
के नाम से, जो श्री रामकृष्ण के गृहस्थ भक्त एवं सन्यासी शिष्यों की जीवनियां है, किस तरह उनके जीवन परिवर्तित हुए। पर मैं जो स्वामी विवेकानंद के सन्यासी शिष्यों की जीवनी की किताब की बात कर रहा हूँ, मोनेस्टिक डिसाइपल स्वामी विवेकानंद, यदि इधर बुक स्टोर में मिलती हो तो मैं आग्रह करूंगा कि आप भी अवश्य देखें या लें उस पुस्तक को। उसमें ऐसे युवकों की थी जो साधारण थे, कोई 20 साल 22 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद के संस्पर्श में आए और किस तरह से स्वामी जी के थोड़ा सा कांटेक्ट में आने से उनका पूरा जीवन बदल गया। उन लोग ने महत आदर्श को अपने सामने लिया। उनमें से मैं एक आध दो का आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ऊपर बहुत ही गंभीर प्रभाव, बहुत ही डीप इन्फ्लुएंस हुई। एक थे उनमें स्वामी कल्याणानंद जी, स्वामी कल्याणानंद जी जो उस बाद में कल्याणानंद जी हुए, वो शुरू में तो एक युवक थे 19-20 साल के, पूर्व बंगाल, ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश हो गया उस क्षेत्र के, और वहां से आए। तब स्वामी जी ने उन्हें बोला कि सुन, मैं जो उत्तराखंड में जब घूमा करता था तब वहां पे मैंने बहुत सारे साधुओं की दुर्दशा देखी, जब बीमार हो जाते हैं या अवस्था में कोई उनकी देखरेख करने के लिए नहीं होता, बड़ा कष्ट सह के उनके दिन जाते हैं, एवं सिर्फ साधुओं के नहीं बाकी और जो भक्त लोग, बहुत लोग वहां पर हरिद्वार ऋषिकेश उन सब क्षेत्रों में अपना जीवन के आखिरी गुजारने के लिए जाते हैं कि यहीं पे हमारा शरीर जाए, उन सब की क्या कुछ सेवा कर सकता है, तू उधर ही चले जा और काम कर, उधर जाके कभी यहां लौट मत आना, वहीं करते करते मर जाना, ऐसी बात बोली उन्होंने भेज दिया उन्हें। मेरे को ये असाधारण बात लगी कि ये गुरु जो है ये कैसा गुरु है जो एक ऐसा आशीर्वाद दे के भेज रहा है कि तू आना ही मत यहां वापस कभी और उधर ही करते करते मर जाना, असाधारण। ये स्वामी विवेकानंद ऐसा व्यक्ति, ऐसे आशीर्वाद, मृत्यु के मृत्यु का आशीर्वाद। हाँ, जैसा कि हमने पूर्व वक्त में सुना कि स्वामी जी ने कहा कि मृत्यु पर निरंतर चिंता करो, कुछ युवकों को मृत्यु पर निरंतर चिंता करो, उसी से तुम्हारे मन में वैराग्य और वैराग्य के फलस्वरूप एक अदम्य साहस का जन्म होगा। तो कल्याणानंद जी वहां गए और पहले भिक्षा के माध्यम से धीरे धीरे भिक्षा करते थे, उससे कुछ दवाइयां औषधियां खरीद के जहां भी कोई दिखता था उसे देते थे। हरिद्वार से ऋषिकेश प्रतिदिन 24 किलोमीटर जाते थे पैदल और वापस शाम को आए, उतना ही, कई घंटे पैदल चलना पड़ता उन्हें, सोच ही सकते हैं आप। और इस तरह से रास्ते भर में जो रोगी देखते उनको अपने साधन के हिसाब से जितना भी कर सकते थे करते। धीरे धीरे उनके साथ और एक स्वामी जी का शिष्य जुड़ गया, स्वामी चयानंद, और दूसरे जन प्रभावित होकर आने लगे। पहले उस क्षेत्र के जो साधु थे जो कि परंपरागत साधु थे, ऑर्थोडॉक्स ऑर्डर्स के, मतलब जो ट्रेडिशनली चलते हैं, जिसमें सेवा का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लोगों की सेवा करने, सेवा पुण्य का कॉन्सेप्ट था कि भाई गृहस्थ जो संसार में वे यदि परोपकार करें उन्हें पुण्य मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा, बस यहां तक की सीमित था। आध्यात्मिक जीवन में या मोक्ष, मोक्षार्थ कोई उसका प्रयोजन है, मोक्ष के लिए कोई उसका प्रयोजन, सेवा का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट विशेष दिखाई नहीं देता था। तो इसलिए जो है वहां साधु लोगों ने भी इनको बहिष्कार कर दी, इनको कहीं पे कोई वहां भंडारा होता था, साधु सम्मेलन होता था तो इन लोगों को बुलाया ही नहीं जाता था। इनको कल्याणानंद जी और निश्चयानंद जी जो उनके साथी थे, इनको भंगी साधु का नाम बोला जाता था कि तुम तो ऐसा मलमूत्र साफ करते हो रोगी लोगों की, हाँ जहां तहां कचड़ा उठाते नहलाते धुलाते हो, क्या है ये, कोई साधुओं का काम है, तुम तो भंगी साधु हो, भंगी हो, तो भंगी साधु के नाम चल गया उनका। धीरे धीरे कोई एक बहुत ही उपलब्धि संपन्न, आध्यात्मिक उपलब्धि संपन्न एक और महापुरुष साधु वहां हुए, उन लोगों ने, उन्होंने फिर बाकियों को बताया कि अरे भाई क्या बोल रहे हो, तो ये लोग तो सच्चे मायने में बहुत ही उच्च आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, मनुष्य में ईश्वर को दे सेवा कर रहे हैं, जो स्वामी विवेकानंद का संदेश था कि मनुष्यों में क्या देखते हुए, दिव्यता देखते हुए, ईश्वर देखते हुए, ब्रह्मत्व देखते हुए उसकी सेवा करना।
वहां से जाके जो है उस समय में आप सोच सकते हैं स्वामी विवेकानंद ने जब ये सेवा का आदर्श दिया तो कितना रेवोल्यूशनरी था। आज हम लोगों को रूटीन बात लगती, आप में से काफी लोगों को लगता होगा ये तो हम सुनते रहते हैं, पर उस समय कितना रेडिकल कॉन्सेप्ट था, हाईली रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी भाव की सन्यासी लोग एवं अन्य अन्य आध्यात्मिक जो जिज्ञासु हैं, आध्यात्मिक जीवन में चेष्टा करने वाले लोग हैं, साधक हैं, वे सेवा को एक आत्मिक साधना का रूप दें, आध्यात्मिक जीवन का अभिन्न अंग स्वामी विवेकानंद ने बनाया इस सेवा को। स्वामी जी से के हर पदक्षेप, हर स्टेप, हर कदम पर किस तरह उसे हम अभिव्यक्त कर सकते, इस दिव्यता को हर कदम पर किस तरह अभिव्यक्त कर सकते, सिर्फ ये थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं रह जाए कि हम दिव्य हैं, हमारे हर एक्शन से, हर ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ शुड बियर द स्टैम्प ऑफ दैट डिविनिटी, उस डिविनिटी की मोहर लगी हुई दिखाई देनी चाहिए, उस दिव्यता की मोहर दिखाई देनी चाहिए। तो माय आइडियल इंडीड कैन बी पुट इन अ फ्यू वर्ड्स, दैट इज टू प्रीच अन टू मैनकाइंड इट्स डिविन, हाउ टू मैनिफेस्ट इट इन एवरी मूवमेंट ऑफ वंस। ये स्वामी जी ने बड़े ही क्लियर रूप से कहा। अब इसके बाद एक प्रश्न आता है कि ये डिविनिटी, डिविनिटी क्या है? बहुत बार सुनते हम लोग दिव्यता, मनुष्य के अंदर दिव्यता है, हमारे अंदर दिव्यता, हम लोग सोचते हैं तो क्या हमें लगता है दिव्यता है? बहुत बार खुद ही नहीं लगता कि कोई दिव्यता है, या है क्या, क्या मतलब है दिव्यता? नहीं, स्वामी के हिसाब से जहां तक मैं समझाऊं, असल में ये इन्फिनिट्यूड, जो असीमता की बात स्वामी जी कहते, देयर इज इन्फिनिट विद इन यू, असीम। तो जो भी चीजों को समझ लीजिए आप लोग या हम लोग अच्छा श्रेष्ठ गुण समझते हैं, समझिए पवित्रता, निस्वार्थता, सेल्फलेसनेस, प्योरिटी, सर्विसफुलनेस, सेवा भाव, हाँ, लव, केयरिंग नेचर, इतने जो भी ये सदगुण हैं, उन सबको अभिव्यक्त करने की असीम कैपेसिटी हमारे अंदर है। वी हैव गॉट इनेट कैपेसिटी टू एक्सप्रेस ऑल दीज, वॉट एवर वी होल्ड गुड एंड ग्रेट इन आवर लाइव्स, जिस भी चीज को हम एक अच्छा गुण मानते हैं, वो सब करने की हमारे अंदर इन्फिनिट कैपेसिटी। मुझे तो ये लगता है कि डिविनिटी से अर्थ ये है, इसका मतलब ये कि हम लोग कई बार ऐसा लिमिट बना देते हैं कि हम यहीं तक की हमारी, इतना ही हम कर सकते हैं दूसरों के लिए, ज्यादा नहीं, क्यों, या इतना ही हम स्नेह दे सकते हैं, हाँ अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने फैमिली में दे सकते हैं, उसके बाहर में अब खास कुछ नहीं रहेगा, या लिमिट रहेंगे, मैं इतना ही सेल्फलेस रह सकता हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं, उतना तो मुझे ना भी सोचना है, नहीं तो कोई ना कोई हम लिमिट्स बना लेते हैं या नहीं, क्यों बना लेते हैं ना, इतना ही मैं, इससे ज्यादा प्योरिटी संभव नहीं है, इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मेरे लिए संभव नहीं, हर चीज में हम एक लिमिट बांध लेते हैं। तो ये डिविनिटी का अर्थ यही है कि ये सब लिमिट हमारे एक भ्रांति है, हमारा भ्रम है, ये हमने अपने आरोपित कर ली, असल में जो है इन्फिनिट कैपेसिटी है ये सब डेवलप करने की, असीम तक कोई लिमिट ही नहीं, जिसकी असीमता तक हम डेवलप कर सकते हैं, असीमता तक इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेवलप मतलब एक्सप्रेस, वो एक्शंस में दिखाई दे, समझ पा रहे ना क्या बोलूं? तो ये जो है डिविनिटी से स्वामी विवेकानंद का, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो इन्फिनिट कैपेसिटी है, इन्फिनिट पोटेंशियल है, ये सब टू बी इन्फिनिटली सेल्फलेस, टू गो, टू बी लविंग, टू बी केयरिंग, टू बी सर्विसफुल, ये जो है हर स्टेप ऑफ लाइफ में दिखाई दे, ये आध्यात्मिक जीवन यही है, इन सब गुणों को ज्यादा से ज्यादा विकसित करना, और सभी की शुरुआत है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक मुकाम है, तो कंटिन्यूअस रेस, जब मन में आ गया और सचेष्ट हो गए तो वहीं डेवलप करना अपने अंदर शुरू करें। स्वामी जी विशेष रूप से बोलते थे कि ये यूथ जो है, यंग लोग जो है, इस उम्र में सबसे ज्यादा तेजी से डेवलप हो सकता है, ये क्लियरली कहा उन्होंने, इट इज देन दैट द प्योरिटी पावर ऑफ मेडिटेशन
power of selfless actions. सबसे ज्यादा तब आता है when you are young. Clearly बोला स्वामी जी ने. श्री रामकृष्ण ने भी अपने अधिक से अधिक शिष्य जो है युवकों में चुने, और स्वामी विवेकानंद ने तो आए युवकों को. तो ये युवा अवस्था जो है इसके लिए मोस्ट सूटेबल, ये आप जान के रखें. इस समय ये भाव अपने अंदर स्वामी जी के टच में आ जाएंगे, और स्वामी जी की धारा विवेकानंद की है भाव को अपने अंदर थोड़ा भी ले लेंगे, उससे बहुत ज्यादा जो है आपके अंदर बदलाव आएंगे. मैं भी यहीं पे देवास क्षेत्र में एक गांव का लड़का जो है से मेरे टच में आया. वो खुद जो है पहले बताया कि वो पहले किस तरह जो है दवाइयां लेके नींद दवाई लेके सोना पड़ता था, उस नींद की गोलियां. वो इन लगा कि मैं रहता था, क्योंकि सब लोग बोलते थे यार तेरा कुछ नहीं होगा, क्या है तू नालायक, ऐसा कर करके हीन भावना उसके मन में भरते थे. फिर उसने विवेकानंद का अध्ययन शुरू किया. मैं यहीं के एक लड़के का बता रहा हूं, आपके पास के ही एक गांव का ग्रेजुएट है, पर जो उसने में ऐसी हीन भावना भर दी. फिर उसने विवेकानंद अध्ययन शुरू किया, फिर उसने ती देखते वहां पे सेल्फलेसली सेवा कार्य कुछ शुरू कर दिए, गरीब बच्चों को इकट्ठा किया, आदिवासी बच्चे आसपास के गांव के, उनके लिए एक केंद्र स्थापित किया. फिर वो उसकी विवाह भी उस दौरान हो गया, क्योंकि गाँव में रह जाता है घर वाले कर देते हैं, पर उससे कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ. उसकी पत्नी को भी उसने इस भाव में इंस्पायर किया, उसे भी स्वामी जी का ठाकुर का शारदा देवी के ग्रंथ पढ़वाने शुरू किए, और अभी उसकी पत्नी भी वहां पे वहां की लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए कई सारे लाइवलीहुड ट्रेनिंग जिससे कि इनकम जनरेट हो ऐसी ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए. तो ये जो है ये साधारण से साधारण जन जो है इस तरह से स्वामी जी के मैसेज के आने से के टच में आने से एकदम बदल जाते. स्वामी जी ने कहा था कि नेवर फॉरगेट समवेयर देयर इज एन आइडियल यू. ये बात ध्यान से सुनिए, नेवर फॉरगेट समवेयर देयर इज एन आइडियल यू एंड ट्राई टू एक्सप्रेस दैट. कहीं ना कहीं एक आइडियल वर्जन आपका, एक आइडियल वर्जन मौजूद है कहीं ना आपके मन में. आप उसके ऊपर मेडिटेट करिए, आपका ये आइडियल वर्जन क्या है. हाँ, और रोज जो है आप ये सोचिए कि क्या मैं अपना वो आइडियल लिव कर रहा हूं, क्या जो मेरा बेस्ट पॉसिबल वर्जन है वो मैं कर रहा हूं. किसी भी उस, हो सकता किसी समय में रहूं जब मूड अच्छा ही है, पर थोड़ी सी नेगेटिवनेस आ गई, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी से मन खराब हो गया, ऐसे होते हैं मौके, तब हम स्लिप हो जाते हैं उस. किसी ने खराब कहा तो हम भी भूल गए हमारा आइडियल वर्जन प्रेजेंट करना, भी फिर जवाब में वैसे ही बिहेव कर देते हैं. बाद में लगता है यार ये मैंने ठीक नहीं किया, मतलब अपने ऊपर ही शर्मिंदगी होती है. नहीं, ज्ञानी भाव आता है कि ये ऐसा नहीं भी कर सकता था, मेरे हाथ में था ये बेस्ट वर्जन देना, पर मैंने अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट नहीं किया. तो हमेशा ये सोचिए कि मैं तरह से अपना क्या दूंगा, बेस्ट वर्जन. स्वामी जी ने कहा नेवर फॉरगेट समवेयर देयर इज एन आइडियल यू एंड ट्राई टू एक्सप्रेस इट. को जो एक्सप्रेस करना है, आप लोग ने सुना ही पूर्व वक्तव्यों में कि स्वामी जी ने कहा कि त्याग एवं सेवा भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं. ये बात सुनिए आपने पहले, आज वक्तव्य में भी आई पूर्व वक्तव्य में, पर स्वामी जी की बड़ी प्रसिद्ध लाइन है ये, रिनंसिएशन एंड सर्विस आर द नेशनल आइडिया ऑफ इंडिया. ठीक है, त्याग वैराग्य रिनंसिएशन एंड सर्विस. तो ये एक सोचने की बात है, उन्होंने त्याग और सेवा को क्यों बोला, सिर्फ सेवा ही क्यों नहीं, क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद के सेवा आदर्श पर बोल रहा हूं, इसलिए बात महत्वपूर्ण. क्योंकि स्वामी जी जानते थे, बहुत ही भली भांति जानते थे कि बिना त्याग के, बिना त्याग भाव के उच्च सेवा, सच्ची सेवा, आध्यात्मिक रूप से जो हमें गति दे ऐसी सेवा, वो संभव नहीं. आपको आश्चर्य होगा जब वेस्ट में गए स्वामी जी, उनकी सेकेंड विजिट, दो बार स्वामी जी पश्चिम में गए, साढ़े तीन चार साल जब अमेरिका इंग्लैंड रहे,
1893 से 1897 1893 से 97 जब शिकागो का हुआ 1893 में, उसके बाद फिर लौट के आए यहाँ पे भारत में। उन्होंने सारे भारत को जगाया, जो आपने सुना कोलंबो टू अल्मोड़ा तक उनके वक्तृता, हाँ सारे भारत को जगाया, और रामकृष्ण मठ मिशन की स्थापना की, एक नया तरह का सन्यास धर्म एवं आध्यात्मिक साधना के रास्ते स्वामी जी ने सेवा आदर्श को केंद्र रखते हुए, हाँ आत्मनु मोक्षार्थम जगत हिताय च यह ध्येय वाक्य देते हुए, जो कि सिर्फ रामकृष्ण संघ का ही नहीं हर व्यक्ति का जीवन ध्येय होना चाहिए, आत्मनु मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपने मोक्ष लिए एवं जगत के हित के लिए, दूसरों की कल्याण के लिए हमारे जीवन का हो, तो इस तरह से उन्होंने किया। और दूसरी बार वे पश्चिम में गए 1899 में, तब जो है पश्चिम में पर ये लोगों का कैसे मंगल हो ये सब पे काफी ध्यान था, उस भारत की अपेक्षा कहीं ज्यादा था वहां, तो स्वामी जी प्रभावित भी थे उससे, पर उसकी लिमिटेशन जानते थे, ये बात ध्यान से सुनिएगा, उसकी भी लिमिटेशन जानते थे, सिर्फ मटीरियलिज्म के ऊपर वेलफेयर क्रिएटेड है, मटीरियलिज्म के ऊपर जो वेलफेयर क्रिएटेड है वो भी लिमिटेड होता है। आज हमारी सरकारें, हमारी ब्यूरोक्रेसी, अफसराई, हमारे राजनेता सभी तो बात करते हैं देश के विकास की, करते हैं नहीं, कर भी रहे काम, सरकारें भी काम करती हैं, ऐसा नहीं हो रहा, करते हैं अपनी अपनी जितना समझते हैं और जितना उनकी निष्ठा है उसमें, उस ढंग से करते हैं, पर क्या उससे जो लोगों को मिल रहा है उससे जो कर रहे हैं उनकी क्या आध्यात्मिक उन्नति हो रही, और क्या जिन्हें वे मिल रही है सेवाएं उनकी क्या आध्यात्मिक उन्नति हो रही, नहीं हो रही। क्यों? हो सकता कहीं कहीं पे मटेरियलिस्टिक वेलफेयर मिला हो, कुछ घर बन गए, कहीं चिकित्सा हो गई, ठीक, पर उसमें आध्यात्म का तो कोई स्थान दिखाई नहीं देता, ना करने वालों के मन में, ना लेने वालों के मन में कोई जुड़ाव आया आध्यात्मिक चेतना से, क्यों? तो ये जो है सिर्फ मटेरियलिज्म के ऊपर जो वेलफेयर एक्टिविटी रहती है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाती, चाहे वो सरकार से हो, चाहे कुछ करें एनजीओ करें, चाहे इंडिविजुअल करें, उसमें अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है। इसीलिए स्वामी जी जब, जो मैं बोल रहा हूँ, पश्चिम में गए जब द्वितीय, एक बड़ी अद्भुत उन्होंने वक्तव्य में एक बात कही, ये बात चौंकाने वाली है, बड़ी अजीब लगेगी, उन्होंने कहा कि इवन इफ यू बिल्ड 20,000 रोड्स एंड 50,000 हॉस्पिटल्स यू स्टिल डाई अ डॉग्स डेथ इफ यू डू नॉट रियलाइज दैट यू आर द आत्मन। आप लोग 20,000 सड़कें बना लो अपने देश में, 50,000 अस्पताल बना लो, तो भी उसके बाद तो आप समझ ही गए, मैंने इंग्लिश में बोला, हिंदी में क्या बोलूं, स्वामी जी बहुत ही कठोर जगाने वाली भाषा बोल देते थे कई बार, यू विल स्टिल डाई अनलेस यू रियलाइज दैट यू आर द आत्मन, जब तक कि अपने आप को शरीर ही समझोगे तुम डॉग में मिलेगी, हाँ अ डॉग suffers when it dies because it thinks it is matter and so it is going to get dissolved। ये स्वामी जी के शब्द हैं, आगे के शब्द उसी वक्त में। तो जब तक कि यह नहीं मानोगे कि मेरे अंदर एक मैं एक अशरीरी तत्व हूं, आत्मन हूं, ब्रह्म, तब तक कि ये जो भी वेलफेयर एक्टिविटी है, डेवलपमेंट एक्टिविटी, इनकी भी लिमिटेशन रहेगी। तो स्वामी जी एक हायर ह्यूमैनिज्म चाहते, हायर उच्च मानववाद, जो कि किस पर आधारित हो, आत्म तत्व पर आधारित हो, कि मनुष्य जो है क्या है, आत्मन है, हम सब क्या है, आत्मन बोलते हैं वेदांत में उसे, आत्म तत्व, हाँ ब्रह्म जिसे बोलते हैं, हम ये शरीर नहीं है, यू आर नॉट दिस मैटर, यू आर नॉट दिस बॉडी, मैटर इज योर सर्वेंट, नॉट यू द सर्वेंट ऑफ मैटर, स्वामी जी शिकागो के एक लेक्चर में बोलते हैं। तो यह जो है इसलिए त्याग का स्थान है, मेरे ख्याल से अभी 5-6 मिनट का समय मेरे पास और है, तो इसलिए और थोड़ा सा कंप्लीट करते हुए फिर मैं समाप्त करूंगा। इसलिए जो है त्याग हुआ दोनों पे, क्योंकि रिनंसिएशन, ये जो भाव है कि मैं आत्मन हूं, रिनंसिएशन नहीं है,
मैं जो आत्मनु आत्म तत्व पर प्रतिष्ठित होकर हम कार्य कर इतना भी क्लोज जा सके, आपको लगेगा यार ये तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं आत्म तत्व पर प्रतिष्ठित होना, मैंने जितना भी हम अपने अंदर एक धारा है अपरिवर्तनशील तत्व, जितना भी हम करीब महसूस करें अपने अंदर शरीर बोध को, स्वार्थ को, किसी भी तरह के अच्छा काम करते हुए भी अहंकार आ जाता है या प्रत्याशा की भावना रह जाती कि मैंने जिनके लिए किया है उनसे मुझे कृतज्ञता का भाव मिले, मुझे प्रशंसा मिले, नहीं ये भाव रहती है क्योंकि मैं भी ये करते आया हूं, मैं बहुत सारे ऐसे गिरा हूं, मैं बहुत सारे स्लिप मैं खाया हूं पिटफॉल्स पर, जहां पे मुझे बहुत सारे अटैचमेंट हुए जिन फिर उनसे एकदम ही कोई दूसरे किस्म का आचरण मिला तो बहुत दुख सहना पड़ा मुझे, तो बार बार घूम घूम के मैं स्वामी जी के पास ही आया कि भाई ये जो है जिनके लिए भी कर रहे हैं उनसे भी अपने को आशा नहीं रखनी है कि हमारे लिए कोई कुछ सोचेंगे, कृतज्ञता का भाव दिखाएंगे, हो सकता निंदा ही मिले जवाब में को मिले बहुत ज्यादा, हो सकता है क्या अधिकतर ऐसा होगा, तो सबको करते हुए चलना है तभी तो ये साधना है, वरना क्या है, वरना तो सरकार भी कर रही है जैसा कि मैंने कहा, अफसर भी कर रहे हैं, नहीं तो ये आध्यात्मिक रूप से जो सेवा है, जो स्वामी विवेकानंद का सेवा आदर्श है, उसमें त्याग और सेवा ये दोनों का, दोनों त्याग की फाउंडेशन पर, त्याग की नींव पर सेवा होनी चाहिए, और त्याग मैंने ये किसी भी प्रत्याशा का त्याग, स्वार्थ का त्याग, नाम का त्याग, यश का त्याग, नाम यश पे झाड़ू मारो स्वामी जी ने एक जगह का, स्वामी जी भी ऐसे जोरदार शब्दों से बोलते थे कि एकदम हिल जाते हैं, नहीं ये सब मंत्र हैं एक्चुअली, आपको संस्कृत में होते हैं, नहीं ऐसा नहीं, स्वामी जी से निकली, मुंह से निकली हुई हर बात मंत्र है, क्योंकि हमारे अंदर वो जो है हमें आत्म तत्व के करीब पहुंचा देती, जैसे कि नाम यश पर झाड़ू मारो, इतनी जोरदार बात है, मैंने ये ओंकारेश्वर में सफेद कुटिया में एक पोस्टर में लिखा देखा, पहले भी पढ़ा था पर यह ओंकारेश्वर में सफेद कुटिया में एक लगा है पुराना, उसमें लिखा है नाम यश पर झाड़ू मारो, तो अद्भुत, तो इस तरह से ये स्वामी विवेकानंद का सेवा आदर्श है। अब एक छोटी सी बात बोल के फिर मैं समाप्त करूंगा, ये वज्र का एक आइडिया आप लोगों के सामने मैं देना चाहता हूं, वज्र, स्वामी विवेकानंद वज्र को बोलते थे, थंडर बोल्ट उसे बोलते हैं इंग्लिश में, थंडर बोल्ट, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, कड़क कड़ाकेदार, ठीक है, और सिस्टर निवेदिता ने उस आइडिया को और डेवलप किया, उन्होंने जब एक राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया, सिस्टर निवेदिता ने सबसे पहले जो राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन हुए उनमें से शायद सबसे पहले का सिस्टर निवेदिता का था, जो उन्होंने 1905 बनाया कलकत्ता में राष्ट्रीय ध्वज, उस स्वरूप में हमारा नहीं है अभी, पर जो उन्होंने जो डिजाइन दिया उसमें वज्र जो है, वज्र देखा है आपने कभी, वज्र, वज्र का डिजाइन है, वो जो है उन्हें नेशनल एम्ब्लेम की तरह लिया, राष्ट्रीय प्रतीक एवं राष्ट्रीय ध्वज। तो वज्र की कहानी ऐसी है कि जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ, आपने सुनी होगी देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ, उस समय देवता हार की कगार पे एक समय ने परामर्श दिया कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो जीवित अवस्था में अपना शरीर बलिदान करने को तैयार हो, उसकी अस्थियों से हड्डियों से उसी समय जीते जी डोनेट करे, माने गिफ्ट करे दे, उसकी अस्थियों से तब अगर जो कोई अस्त्र बनेगा वो अस्त्र से अगर तुम लोग युद्ध करोगे तभी तुम जीत सकते हो। तो वे ये समस्या लेकर दधीची ऋषि के पास गए कि ऋषिवर बताइए ऐसा, ये तो अद्भुत समस्या में आ गए। तो दधीची जो है ऐसे महान थे कि उन्होंने बोला रे बस इतनी सी बात, मैं तैयार हूं, मैं देता हूं अपना शरीर। देवता भी हतप्रभ रह गए पर दधीची जो है एकदम ही प्रस्तुत थे उसके लिए, तो दधीची ने अपना शरीर दान कर दिया और उनके शरीर से जोतियों से क्या बना, वज्र, और जिसको लेकर हम लोग वो कथा जानते हैं पौराणिक की देवता असुरों पर जयी हुए। तो सिस्टर निवेदिता यही लिखती है उसके बाद अद्भुत लेख में, जब उन्होंने ये नेशनल एम्ब्लेम के बारे में लिखा कि द वज्र, वज्र क्यों अपराजय था, इसकी वो व्याख्या करती है, क्योंकि वो सेल्फलेस व्यक्ति की सेक्रीफाइस से था।
The selfless man becomes a weapon in the hands of God, Sister Nivita. The selfless human being becomes a kya? Weapon in the hands of God. Bhagwan ke haath mein ek astra ki tarah ho jata hai. Niswarth vyakti. Kehne ka matlab ki hum niswarth, jitna niswarth banenge, Bhagwan hame utna madhyam banayega. जो भी अच्छे कार्य फिर हमसे जो भी होंगे वे अच्छे कार्य होंगे जिनसे सबका मंगल होगा, सारे जगत का मंगल होगा. हम जितनी मात्रा में निस्वार्थ बनेंगे, द सेल्फलेस मैन बिकम्स अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ गॉड एंड देयरफॉर ये इनविंसिबल हो जाता है. स्वामी जी भी यही बोलते थे कि सेल्फलेसनेस के सामने द प्योर विल एवरीथिंग विल हैव टू bow down before the pure way that comes straight from God. ये स्वामी जी बोलते थे, निस्वार्थ भाव के नीचे सभी को झुकना पड़ेगा क्योंकि वो भगवान से ईश्वर से ही आ रहा है सीधे. तो ये वज्र का आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था क्योंकि मुझे बहुत ही पावरफुल और इंस्पायरिंग आइडिया लगता है. उस समय भी कई लोगों ने इसे वज्र को अपने लोगों की तरह बनाया. आचार्य जगदीश चंद्र बसु का जो बसु विज्ञान मंदिर था उस समय उन्होंने किया. बाद में परमवीर चक्र जो है हमारे आर्म्ड फोर्सेस का हाईएस्ट जो अवार्ड है उसका भी वज्र जो है मोटो है, वज्र जो है परमवीर चक्र में शामिल है. तो ये आज मुझे यहाँ आकर स्वामी विवेकानंद के संपर्क में जो कि मेरे प्रेरणा पुरुष तो हैं ही, मतलब उसमें तो कोई शक ही नहीं है, बल्कि स्वामी विवेकानंद जी ने पूरा रामकृष्ण परंपरा, रामकृष्ण विवेकानंद परंपरा, रामकृष्ण मठ मिशन, आज रामकृष्ण मठ मिशन अगर नहीं होता तो मेरे जैसे व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाए होते. मैं जो भी अगर कुछ थोड़ा बहुत जो भी हमसे मेरे साथियों से हमारी संस्था के दूसरे सेवावतियों से जितना भी कुछ हुआ है, रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का आंचल पकड़ के उस सहारा लेके उससे पुष्ट होकर उसी से जो हमें थोड़ी बहुत शक्ति मिली उसी से ही हम कर पाए. तो श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं समस्त रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा को आपके भविष्य के लिए शुभकामना देते हुए मैं अपना अभी वाणी को विराम देता हूँ.